हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द GS3 व्लॉग। बहुत टाइम के बाद फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और हो सकता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा तो क्या करना है, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। और उसी के साथ साथ चलिए मैं बताती हूँ आज किस बारे में बात करने वाले हैं। बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक मतलब स्किन केयर है टीनेजर्स के लेकर किसी भी एज के। बहुत क्विक है, कुछ बनाना नहीं है, ये होम रेमेडी नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत ईजिली अवेलेबल है और काफ़ी सिंपल से 3 स्टेप्स में सारा आपका स्किन केयर हो जाएगा। आपकी पूरी क्लेंजिंग हो जाएगी, पूरा अच्छा हो जाएगा, मतलब स्किन इतनी अच्छी ग्लो करेगी, आपको पार्लर लाइक सलॉन लाइक इफेक्ट मिलेगा। तो चलिए क्या करना है वो मैं देख देती हूँ, आपको बता देती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा ये वीडियो है, ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और आपके अगर कोई फंक्शन है, वेडिंग है या फेस्टिवल सीज़न है, या फिर आप टीन एज हो, ज़्यादा परेशान हो कि आपको क्या करना चाहिए, आपके स्किन को सूट करेगा या नहीं करेगा, सबके लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखिए स्किन मेरी बहुत ही डल है, अब इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगी, क्लेंजिंग। यहाँ पे मैंने बैंड लगा लिया है ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो हेयर्स की वजह से। तो यहाँ डाबर का गुलाबरी लिया, आप टोनर ले सकते हो या फिर मिल्क ले सकते हो, क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है। कॉटन बॉल लिया है, आप इस पर स्प्रे कर लीजिए, मगर ये स्प्रे वाला है तो मैं अपने फेस पे ही डायरेक्ट स्प्रे करूँगी। फिर इससे मैं अच्छे से जो है अपने चेहरे को क्लीन कर लूँगी, क्लेंजिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। टोनर ले लीजिए, रोज़ वाटर ले लीजिए, मिल्क रॉ मिल्क ले लीजिए, कच्चा दूध, वो भी बहुत अच्छा क्लेंजिंग करता है। तो अच्छे से जब मैं अपने पूरे फेस को इससे क्लियर कर लूँगी, जितनी भी डर्ट या गंदगी है वो सारी निकल आएगी। उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस करेंगे तो स्किन को ज़्यादा अच्छा इफेक्ट मिलता है। अब ये देखिए मैंने अच्छे से पूरा अपना चेहरा क्लीन कर लिया है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे मैंने लिया एवर यूथ का वॉलनट स्क्रब। आप अपने फेवरेट कोई भी स्क्रब ले सकते हो, या फिर कॉफ़ी वाला जो मैंने स्क्रब अभी पहले वीडियो इसके शेयर किया है वो भी आप कर सकते हो। स्क्रबिंग ज़रूरी है, स्क्रबिंग करने के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इससे जो आपके पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जितनी भी डर्ट होती है वो निकल जाती है। एक्सप्लॉइटिंग को करना बहुत ही ज़रूरी है, जितना अच्छा आप करोगे इसे कम से कम हफ्ते में 2 बार तो किया ही करिए। तो पूरे ब्लैकहेड्स वगैरह, माउथ के अराउंड जो भी डार्कन एरिया है, पिगमेंटेशन है स्क्रब में, वो सब जो है वो देखिए मैंने पूरा अपना जो ब्लैकहेड वाइट हेड्स है नोज़ के अराउंड, नोज़ पे और माउथ के अराउंड जो भी है, आप डार्कनेस रख दी है थोड़ी बहुत, अंडर आइज़ का है जो एरिया है लाइटन करने में, स्क्रब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसे थोड़ा मसाज करिए अच्छे से, 5 से 6 मिनट जेंटली करिए, बहुत ही ज़्यादा रफ हाथों से मत करिए, बहुत ज़्यादा हल्के हाथों से भी नहीं, अच्छे से करिए। जो भी ब्रांड का सूट करता हूँ, हिमालय का करता है, एवरयूथ का या फिर कॉफ़ी स्क्रब तो बेस्ट है। अब मैंने देखिए स्क्रब कर लिया, अब इसे वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद देखिए स्किन तो बहुत अच्छी क्लियर वैसे भी लग रही है, पर अब इसके बाद वाला जो हम करने वाले हैं ना वो भी बहुत अच्छा है, तो वैसे भी बहुत स्मूथ लग रही है स्किन। अब मैं यहाँ पे लूँगी एवर यूथ का ही पील ऑफ, गोल्डन पील ऑफ है 24 कैरेट वाला, आप कोई भी ले सकते हो या कोई फेस पैक बना सकते हो, मगर ये बहुत इंस्टेंट है, टीनेजर हो कोई भी हो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पील ऑफ लिया है, वैसे तो मेरी स्किन भी सेंसिटिव है, तो जो लोग सेंसिटिव स्किन वाले हैं वो परेशान ना हो, वैसे ये सूट कर जाता है, वरना तो आप मैंने इसके पहले की जो वीडियो शेयर की है वो भी देख लीजिए, वो भी बेस्ट है, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मैं अच्छे से लगा लेती हूँ, ना बहुत मोटी लेयर लगाइए ना बहुत पतली लेयर लगाइए, इसे अच्छे से पूरे नेक के पास जब भी करिए फेस के साथ, नेक की भी स्क्रबिंग क्लेंजिंग और पील ऑफ या फेस पैक लगाइए नेक के भी पास। अब इसे हम छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक ये सूखता है। तो ये 15 से 20 मिनट के अंदर ये सूख गया अच्छे से। अब जो हम इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो हम करेंगे ऊपर से यानी फॉरहेड की तरफ से निकालेंगे, या फिर आपकी जो हेयर ग्रोथ है ना उस तरफ से निकालिए अपोजिट साइड से, तो हेयर ग्रोथ का भी जो होता है ना वो भी कम कर देगी आपके अगर फेशियल हेयर है। तो यहाँ से मैं इसे रिमूव करना शुरू करती हूँ और ये ईज़िली निकल जाता है, जब आप कभी मोटा या बहुत पतला निकाल लगाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ देखिए ये मैंने पूरा इसे निकालने के लिए, ये मैंने तोड़ा नहीं है क्योंकि ये ईज़िली निकल रहा है सारा, तो इसी तरह से क्लियर कर लेंगे। स्क्रबिंग से हेयर ग्रोथ भी बहुत कम होती है फेशियल हेयर, तो आप ये स्टेप ज़रूर फॉलो करिए। कोई भी एज ग्रुप हो, कोई ब्राइड हो या फिर टीन एज हो,
उस सब के लिए ये अब परफेक्टली काम करेगी। तो ये देखिए मैंने सारा निकाल लिया है, जो थोड़ा बचा कुचा है मैं उसे साफ़ कर लूँ या धो लूँ। तो यहाँ मैंने एक वेट वाइप लिया है, उसी से मैं क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि मेरे वैसे तो सारा ही निकल गया था, कुछ कुछ जो कमी रह गई थी वेट वाइप से पोंछ के कर लिया। तो ये देखिए स्किन कितनी अच्छी है, शुरू में भी आपने स्किन का देखा ही था किस तरह का था, अब डलनेस थी, मगर अब जो है स्किन बहुत अच्छी हो गई है, कितनी स्मूथ हो गई है। तो ये स्टेप मैं अक्सर ही फॉलो करती हूँ और बहुत ही अच्छा है। मगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मॉइस्चराइज़र इसके बाद ज़रूर अप्लाई किया करिए। आपको जो सूट करता है, ऑयली ड्राई सेंसिटिव स्किन, अपने अकॉर्डिंग स्किन के मॉइस्चराइज़ करिए, मॉइस्चराइज़र को ट्राई करिए, मगर मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए। तो ये देखिए अब पूरा हो गया आपका स्किन केयर। गाइस देखिए बहुत ही आसान था, 2-3 स्टेप है, बहुत जल्दी में हो और आपको ज़्यादा रेमेडी वगैरह नहीं करने का टाइम हो, तो ये एक अमेजिंग प्रोडक्ट्स है। देखिए आपको सूट करता है वो भी आपको ध्यान रखना है, कौन से प्रोडक्ट कौन से नहीं। आप इसके अल्टरनेटिव कई कंपनीज के ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट सिंपल सी चीज़ें हैं, फॉलो यही करना है और स्किन बहुत अच्छी ग्लो होगी, बहुत ज़्यादा क्लियर होगी, पिगमेंटेशन वगैरह की सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं तो नीचे प्लीज़ कमेंट भी किया करिए, जब आप देखते हैं तब तो मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली में जो मेरी ये फैमिली है देखना क्या चाहती है। तो चलिए बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले नई वीडियो में।